हेलो एवरीवन, हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। हम लोग पढ़ रहे थे मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया था। अब मूड डिसऑर्डर के अंदर जितने भी सिम्टम्स आते हैं हम वो देख रहे थे। तो पहला हमने देख लिया था डिप्रेशन, अब सेकेंड हम देखेंगे मेनिया। मेनिया भी मूड डिसऑर्डर के अंदर ही आता है, ये सब क्लासिफिकेशन है। तो जो मेनिया है, मेनिया में 3 मोस्टली सिम्टम दिखाई देते हैं। मेनिया मतलब कि पर्सन हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसमें हर चीज़ का मतलब वो बढ़ जाता है। तो मेनिया में मेन 3 सिम्टम दिखाई देते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब मन घड़ंत सपने, दिन में सपने देखना, एलिवेटेड मूड मतलब उसका मूड हमेशा एग्रेसिव रहता है, तेज रहता है, हाइपर एक्टिविटी रहती है, वो कोई भी काम जल्दी रहता है, कुछ भी सब कुछ जल्दी जल्दी करता है, जल्दी जल्दी बातें कर लेगा, जितते इतने चलते हैं ऐसे ऐसे। तो ये मेनिया के 3 मेन सिम्टम्स हैं, आप इसे याद कर सकते हो। तो हम मेनिया कह रहे थे, मेनिया इज अ साइको अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एलिवेशन ऑफ मूड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, प्रेशर ऑफ स्पीच एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मतलब मेनिया एक साइको अफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें कि मूड एलिवेट होगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहेगा, प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब जब भी वो बोलेगा तो उसकी आवाज में बड़ा मतलब तेज बोलेगा, उसका टोन ज्यादा रहेगा, थोड़ा मतलब एग्रेसिव होकर वो बोलेगा, एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी भी इसमें इंक्रीज रहेगी मेनिया में। तो मेनिया रिफर्स टू अ सिंड्रोम इन विच द सेंट्रल फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी, मूड चेंजेस एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज। ये सब मेनिया के मतलब सेल्फ इम्पॉर्टेंट मतलब खुद को बहुत सबसे ऊपर समझेगा ये वो पर्सन। देन ICD क्लासिफिकेशन, मेनिया में ICD क्लासिफिकेशन किस नंबर पे आता है? F30 से F39 में आता है। F30 में हमारा हमने देखा था कि F30 में मेनिक एपिसोड था, फिर F31 से बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और दूसरा। तो F30 में मेनिक एपिसोड है, इसके अंदर भी F30 के अंदर भी मेनिया के बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, F30 में मेनिक एपिसोड है, F30.0 में हाइपोमेनिया है जिसमें कि हल्का सा मेनिया के सिम्टम शो होते हैं, F30.1 में मेनिक एपिसोड्स विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स हैं, अब और F30.2 में मेनिक एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम है, इसमें विदाउट है इसमें विद है, 30.8 में अदर मेनिक एपिसोड, 30.9 में अनस्पेसिफाइड। तो विदाउट साइकोटिक सिम्टम मतलब कि साइकोटिक मतलब कि मेनिक एपिसोड मतलब हाइपर एक्टिव फ्लाइट ऑफ आइडियाज यही सब था, साइकोटिक सिम्टम मतलब कि उसमें अटेंशन, उसमें उसका कंसंट्रेशन, उसका डेल्यूजन मतलब ये सब उसका नहीं रहेगा, उसका साइकोटिक सिम्टम नहीं शो करेगा, मतलब उसमें अटेंशन डेफिशिएट नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन वो पूरा अच्छे से कर पाएगा, उसको डेल्यूजन वगैरह नहीं होगा, और उसमें इनसाइट प्रेजेंट होगा, मतलब वो पर्सन अपने आप को जानता है कि वो क्या है, लेकिन फिर भी उसमें हाइपर एक्टिविटी दिखाई देगी। 30.2 में क्या है, मेनिक एपिसोड विथ साइकोटिक सिम्टम मतलब अटेंशन डेफिसिट रहेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा, उसका कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब रहेगा, और वो इनसाइट एब्सेंट रहेगा इसमें, इनसाइट मतलब वो खुद को नहीं पहचान पाएगा कि वो क्या है। अदर मेनिक एपिसोड कॉजेस, अब मेनिक कॉजेस क्या क्या है, कॉजेस में आएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब अगर मेनिया है, हमने डिप्रेशन में पढ़ा था कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो रहा है तो डिप्रेशन कॉज होगा, लेकिन मेनिया में क्या है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन का डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो मेनिया कॉज होगा। तो ये एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन और सेरोटोनिन का अगर डेफिशिएंसी होगा तो मेनिया कॉज होगा। फिर जेनेटिक में क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मोनो मतलब इसका मतलब है कि एक ही जाइगोट फॉर्म हुआ है, सो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि किसी एक एक ट्विन को, एक एक बेबी को ये चांसेस हैं मेनिया होने की। सो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी मेनिया कॉज हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड में, अगर ड्रग हम कोई पर्सन ले रहा है जैसे एंटी डिप्रेशन क्या करते थे कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इंक्रीज करते थे, तो उससे मेनिया, अगर न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो रहा है तो मेनिया होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कॉज करेगा, फिर एंटी पार्किंसंस ड्रग अगर कोई ले रहा है तो वो भी मेनिया के सिम्टम बढ़ाएगा, अब्यूसिव थिंग्स अगर कोई ले रहा है जैसे अल्कोहल, ओपियोइड्स, कैनाबीज, हीरोइन ये सब कुछ ले रहा है तो भी मेनिया के सिम्टम दिख सकते हैं।
फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी होता है। फिर सिम्टम क्या है मेनिया के, मेनिया के सिम्टम है कि इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होगी, वही हाइपर एक्टिविटी, ओवर एक्टिवनेस होगा, ओवर एक्साइटमेंट एंड रेस्टलेसनेस होगा, स्पीच एंड थॉट, स्पीच में क्या होगा प्रेशर ऑफ स्पीच, मतलब जोर जोर से बोलेगा, उसका टोन ऑफ वॉल्यूम उसका हाई रहेगा बोलने का। थॉट क्या है फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहेगा, डिल्यूशन एंड ग्रैंडियोज रहेगा, एंड डिल्यूशन ऑफ पर्सिक्यूशन होगा, मतलब सामने वाला पर्सन के खिलाफ वो सोचेगा, मतलब कि सामने वाला पर्सन मेरे खिलाफ कुछ प्लान बना रहा है, मेरे को कहीं फंसाना चाहता है, ऐसे ऐसे वो डिल्यूजन रखेगा ऐसा पर्सन, वो मेनिया वाला। अदर सिम्टम क्या है, इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा, मतलब दूसरों को हार्म करेगा, अब्यूजिव वर्ड्स बोलेगा दूसरों को, पुअर जजमेंट रहेगा, डिक्रीज नीड फॉर हेल्प रहेगी, डिक्रीज फूड इनटेक रहेगा, खाना नहीं खाएगा, एब्सेंट इनसाइट रहेगा, वो खुद को नहीं पहचानेगा कि वो क्या है, हाई रिस्क एक्टिविटीज रहेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पहले उसको कोई न्यूरोलॉजिकल एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था, कोई और डिजीज थी, किसी और डिजीज के कारण कुछ हुआ हो, ऐसे ऐसा हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका एग्जामिन करेंगे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, ड्रग्स आएगा, जिसमें मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स आएगा, लिथियम कार्बामेज़ेपाइन सोडियम वैल्प्रोएट हम इसमें देंगे। थेरेपीज क्या दे सकते हैं, ECT देंगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी। अगर पेशेंट वायलेंट है तो हम उसमें ग्रुप थेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है, लेकिन अगर इतना वायलेंट नहीं है तो हम दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप इसका आप नोट्स बना लीजिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हेल्प करिए हम लोगों को और ग्रो करने में। थैंक यू।